हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी मठरी। जैसे कि त्योहारों का सीजन आ चुका है, करवा चौथ में जैसे होली अष्टमी का हम व्रत रखते हैं, जो भी हमारे जो त्योहार हैं इसमें घर पे जो भी हमारे पकवान बनते हैं उनमें सबसे पहले मठरी बनती है, जो कि मीठी मठरी होती है। जैसे करवा चौथ के लड़कियों ने व्रत रखा होता है तो उसके शगुन के लिए भी मठरियां ही जाती है, बड़ी मठरी भी जाती है, छोटी भी जाती है। तो उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये पैकेट वाला आधा किलो मैदा ले लिया है। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको सारी मेजरमेंट बतानी है। आधा किलो मैदे की मेजरमेंट के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मठरी बनाने के लिए हम गुड़ का यूज करते हैं या फिर हम शक्कर का यूज करते हैं। शक्कर का यूज इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है। ये मैंने दो बड़ी कड़छी है भर के ले ली है शक्कर की। इसको हमने अभी पानी में थोड़ी सी इसकी चाशनी बनाएंगे। इतनी चाशनी बनानी है जितनी ये शक्कर हमारी पूरी तरह से डूब जाए, बस इतना पानी हमने इसमें डालना है। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे उसको घोलने के लिए। अगर आप इसको हाथ से जल्दी खोलेंगे तो ये 1-2 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन इसको याद रखना है कि आपने इसको गर्म नहीं करना है, बिल्कुल ठंडा ही इसको रखना है। चाहे तो आप अगर गुड़ की बना रहे हो तो फिर आप रात को भी गोके रख दीजिए या 2 घंटे पहले भी गोके, क्योंकि गुड़ को थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन हम शक्कर के साथ बनाते हैं वे भी एक ही चीज हो जाती है। तो इस तरह से शक्कर को हमने 2 मिनट ऐसे रखना है, तब तक हम मठरी का जो मोइन वगैरह वो तैयार कर लेते हैं। इसको रख देंगे अभी। इसको छान लेंगे। को हमने छान लिया है अच्छी तरह से। मोइन डालने के लिए मैंने ये एक बड़ी कड़छी भर के है देसी घी की ले ली है। चाहे तो आप डालडा भी यूज कर सकते हो, गगन भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिफाइंड यूज करेंगे तो उतनी बात अच्छी नहीं बन पाती है। इसमें थोड़ा घी का ही मोइन ज्यादा अच्छा होता है। परंपरा के अनुसार जैसे हमारे घी की ही मोइन डलती है, तो इस तरह से एक बड़ी कड़छी मैंने भर के ले लिया। इसको करते हैं गर्म। तो घी हो चुका है गर्म, इसको हमने गर्म गर्म ही इसी तरह मैदे में डाल देना है। थोड़ा गर्म है, इसको हमने इसी तरह रहने देंगे 2 मिनट के लिए, ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपनी चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी लगभग हमारी घुल चुकी है, बस थोड़ा सा 1 मिनट और लगेगा। इसको हम छान लेंगे। तो फ्रेंड्स घी अब इसमें मिक्स हो चुका है। इस तरह से इसकी जो मुट्ठी हम बांटेंगे लड्डू बनना चाहिए, तो इसका जो बिल्कुल मिक्सचर सही होता है, बहुत ही परफेक्ट मुट्ठी आपके बाजार से भी अच्छी बनेंगी। इस तरह से ये अब परफेक्ट मिक्सचर हो चुका है। इससे ज्यादा हम घी इसमें नहीं डालेंगे। अब चाशनी इसमें थोड़ी थोड़ी डाल के हम थोड़ी थोड़ी डालते रहेंगे।
आटा फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा सख्त ही रखना है, नरम आटे की फिर वो पूरियां बन जाती है, मठरी नहीं बन पाती है। इस तरह थोड़ा सा इसको जोर लगा के हमने आटे को एक जान कर लेना है। थोड़ा सा भुरभुरा आटा ही अच्छा लगता है इस तरह से। इस तरह से आटा हमारा लग चुका है। अब इसकी हमने छोटी छोटी लोइयां काट लेनी है इस तरह से। फ्रेंड्स आधी से ज्यादा मैंने मठियां हैं तल ली हैं, तो अब इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। बहुत ही खस्ता बन, अभी थोड़ी गर्म है लेकिन फिर भी को तोड़ के बताती हूँ। बहुत ही नरम है हमारी जो मठी है, बनके रेडी हो चुकी है। आप हाथ से इसको तोड़ के देखिए, बहुत ही नरम मठी है हमारी जो बनके रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको घर पे अपने जरूर ट्राई कीजिए त्योहारों के सीजन पे। आप बनावटी तेलों की क्यों खाने घर पे, अगर हम घर पे ही इसको परफेक्ट तरीके से बना ले। तो इस तरह से मट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके रेडी हो चुकी है। तो मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल वेज विलेज रेसिपी।